यार लो यहाँ पे लो, ये है कल को ये फ्लैश हटा रहे हैं इक्कीस साल तक लोगों ने देखा है शो को, सीआईडी को, और उतना ही पसंद करते हैं. और ऑफ एयर जाने के बाद रिस्पांस बहुत ही ज्यादा, मतलब इमोशनल कर देते थे. इतने अच्छे रिस्पांस आ रहे थे हमारे ऑडियंस से, जो फैंस इतने सालों से देखते आ रहे हैं. तो कहीं ना तो कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम लोग खड़े उतरे अभी एक साल के बाद इस शो के साथ आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा करने के. जैसे जो डिफरेंस जो आपने पूछा, डिफरेंस ये है कि कैरेक्टर्स वैसे ही है, नाम भले बदले हैं, बट हर कैरेक्टर का अपना एक अलग बैक स्टोरी है, जहाँ पे इमोशंस है, ड्रामा है, उनके पर्सनल रिलेशंस दिखाएंगे, जो हम लोग सीआईडी में नहीं दिखाते थे. और कुल मिला के हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि जो लोग सीआईडी देखते थे वो इस शो के साथ जुड़ें, हमको जो देखना पसंद करते थे ऑन स्क्रीन वो फिर से देखें, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनके साथ वो हम फिर से मेंटेन करना चाहेंगे. जो आप दोनों से जानना चाहेंगे, जैसे मैंने दया सर से पूछा कि कैसा, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए इस किरदार में ढलना, और थोड़ा सा बताइए कि क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी अपने. सबसे बड़ी प्रिपरेशन मुझे ये करनी पड़ी कि मैं सीआईडी में बुढ़ा नहीं था उसमें. काफी कुछ अपने आप को, मतलब यंग जन आदमी की तरह देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इसमें मुझे एक बुड्ढे का रोल दिया गया है, तो ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था. चश्मा लगाना, सफेद बाल करना, तो वो और थोड़ा मतलब एजड दिखाया है इसमें, तो मुझे इसके लिए थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी उसमें. बाकी तो कैरेक्टर सेम थे, उसमें जो कॉमेडी करता था इसमें भी हल्की हल्की कॉमेडी रहेगी मेरी भी, और मैं कोशिश करूंगा कि ऑडियंस कॉमेडी देख के काफी खुश हो. बस उसमें आत्मा से डरती थी, भूत से डर रही है. सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा, और क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी इस किरदार में ढलने के लिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और सारी टीम सेम है. और दूसरा, हमने कहा ना डिपार्टमेंट की जगह फोर्स आ गया अभी, तो बहुत ताकत बहुत लग रही है, क्योंकि अभी किसी ने सवाल पूछा कि बहुत बड़े बड़े शोज हैं लाइक टाइप कपिल का है, तो हम लोग बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके हम लोग डीसी की दे रहे हैं चैनल को, ऑडियंस को, तो शायद डालडा पसंद ना करें वो लोग, और पूरी कोशिश यही है. हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, वेट कम किया, और एक्शंस बहुत अच्छे हैं, आपने देखा होगा इसमें, चीज़ें अच्छी चल रही, प्रिपरेशन यही है, और आप लोग उसको अप्रिशिएट करिए, ऑडियंस तक पहुंचाइए जितनी अच्छी तरीके से हो सके. आपके मुताबिक क्या यूएसपी है सीआईएफ की? सीआईएफ की अगेन टीम है जैसे सीआईडी की थी. इनिशियली सीआईडी के स्टोरीज बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, उसके बाद लोगों ने टीम को पसंद किया, उसके बाद कैरेक्टर्स बड़े हो गए, और एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग, जैसे मैंने बोला एक स्पिरिचुअल कनेक्ट है जो सीआईडी को 21 साल तक ले, उतना लंबा जर्नी रहा उसका, वैसे ही इसको भी हमको उसी तरह उसी प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, जहाँ पे हमारा एक इमोशनल बॉन्डिंग कनेक्ट हो ऑडियंस के साथ, वो कैरेक्टर्स के साथ रिलेट करें, कोशिश हमारी वही रहेगी. सबसे पहले सीआईएफ आने वाला है, आप लोग कितने एक्साइटेड है अपने किरदार को लेके, क्या प्रिपरेशन किया आप लोगों ने? सीआईएफ को लेके तो मैं सबसे ज़्यादा इसलिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे मेरी टीम के साथ काम करने का मौका फिर से मिल रहा है, और प्रिपरेशन तो ये है कि हम आउट ऑफ प्रिपरेशन कभी होते ही नहीं है, हम हमेशा प्रिपरेशन में रहते हैं. सीआईडी मैंने लेट ज्वाइन किया था, आई वाज द लास्ट फीमेल कॉप, और मैंने सीआईडी आई थिंक सबसे ज़्यादा किया है एज अ फीमेल कॉप, 7-8 साल कुछ किया है मैंने, तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आप उस सांचे में आ जाते हैं जहाँ आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं. What is the difference in this character which you are playing, like from the previous ones which you have already played? So previous I played Purvi in CID. So वहाँ पे we were always under the guidance of ACP Pradyumna. So beat Daya, beat Abhijit, everybody was guidance under the guidance of, मतलब दरवाजा तोड़ने के लिए उनको बोलना पड़ता दरवाजा तोड़ो या तलाशी लो. In CIF it is different. Everybody has their own character. सबका अपना अपना shade है, और सब लोग like Meenakshi here is more wiser, more smarter, and she knows what to do now. She doesn't have to be said ki ye karo, she does it. That is the character of Meenakshi.